मैंने आपसे कहा था ना कि कुछ पुरानी बातें हैं जो पुरानी बातों का जिक्र भी मत करो थी। कुछ लोग पुरानी बातों को खुरेद कर लोगों के जज्बात के साथ खेलते हैं, क्योंकि उनके अतीत में दाग लगे हुए कुछ बनने, इसलिए वो दूसरों के एहसास को हल्का तोलने लगते हैं। आपसे किसी ने कुछ कहा क्या? आप किसके अतीत के बारे में बात कर रहे हैं? ब्रो, मैंने आपको आज तक किसी के अतीत को लेकर इतना परेशान नहीं देखा। क्योंकि आज तक किसी ने मेरे साथ आंख मिचोली नहीं खेली है। कोई भी बात इतनी बड़ी नहीं होती। यहां पहले मिले हैं क्योंकि भगवान ने ना मुझे तुम्हारा सेवियर बनाकर भेजा है। एक मिनट, ये लो लो, चॉकलेट है। आंसू गायब करने की ना सबसे गारंटी दवाई है ये। लो, दोस्त काम आए या ना आए, ये जरूर काम आती है। वैसे लाइफ इतनी उलझी हुई क्यों होती है? क्योंकि अगर सब कुछ सीधा होता तो हम खुश होते। अगर हम खुश होते तो हमें जब सच में खुशियां मिलती हम उसे पहचान ही नहीं पाते। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन इतना जानती हो तो ये आंसू क्यों? मैंने बहुत दुख देखे है, इसलिए आज खुशियों को पहचान पा रही हूं। बस इन खुशियों को अपनी जिंदगी में शामिल करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। आई हेट दिस, जब कोई पूरी बात नहीं बोलता, बोलते बोलते चुप हो जाता है। आप क्या कह रहे हैं? मुझे समझना मुश्किल हो रहा है। यही तो सबसे बड़ी मुश्किल है देव, कि उसे समझना बहुत मुश्किल है। उसे किसे ब्रो? हाँ देव, किसी को नहीं। तुम किसी के बारे में बात करना चाहते थे ना? लगता है ब्रो को गीत के अतीत के बारे में शायद अभी तक कुछ नहीं पता। कुछ बोलना चाहते थे। मुझे नहीं पता आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि आप उसे थोड़ा वक्त दीजिए। कभी कभी अतीत का बोझ इतना बढ़ जाता है, इंसान अपने दिल की बात कह ही नहीं पाता। आपने दावा किया था ना कि आप मेरी आंखें पढ़ सकते, और ये देखा आपने। का मतलब गीत ने ब्रो को कुछ नहीं बताया। और इससे पहले कि बात बिगड़े मुझे गीत को ढूंढना होगा। तुम्हारी भी वही प्रॉब्लम है जो मेरी प्रॉब्लम है। मेन तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं भी पिछले 5 सालों से इसी प्रॉब्लम में उलझी हुई हूं।
और मैं जानती हूँ कि वो कौन सी एक चीज है जो एक सिंपल सी लड़की को एक फिलोसोफर बना दे। तुम्हें पता है लड़के ना बिल्कुल डफर होते हैं, बिना बोले कुछ बात समझते ही नहीं है, हर चीज खुल के समझानी पड़ती है। इसलिए हिम्मत तुम्हें करनी पड़ेगी। वो ढक्कन तो नहीं है, बाकी सारी बातें समझते, बस दिल की बातों में जीरो है ना। इसका एक ही सलूशन है, तुम एक काम करो, उनके कान के पास जाके ना जोर से चिल्लाओ और अपनी सारी दिल की बात बता दो, तब जाके वो समझेंगे। और कुछ गलत हो गया तो? और वैसे भी मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। अरे ये तो और भी बड़ी वजह है मेरी बात सुनने की, अजनबी की एडवाइस कभी गलत नहीं होती, क्योंकि आपको नुकसान पहुंचाकर अजनबी को क्या मिलेगा। इसलिए मेरी बात मानो और अपने दिल की बात जाके उन्हें बता दो। आज तो तुम्हें पता नहीं होगा क्यों, जब भी तुम मुझे मिलती हो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती हो। बोलो गीत। वो नहीं, मैं। आज तुम कुछ नहीं कहोगी और ना ही कुछ करोगी, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पहले वो गीत। ये लीजिए चॉकलेट खाइए, खराब मुंह को चुटकी में ठीक कर देता है और अपने मन की बात बताने के लिए शक्ति भी देता है। कीत, ना तो मुझे चॉकलेट में दिलचस्पी है और ना ही किसी और में, मुझे तो सिर्फ एक ही बात में दिलचस्पी है और वो बात करने के लिए हमें और उससे दूर कहीं बाहर जाके बात करनी होगी। मैं भी तो यही कहना चाहती हूँ सर। वेरी गुड, अब एक काम करना, 8 बजे तैयार रहना जी। हम लोग बाहर मिल रहे हैं जी। वो भी अकेले जी। अकेले? वो भी रात को बाहर? हाँ गीत, अकेले में, मैं और तुम डिनर पे जा रहे हैं। पर इसका मतलब तो? इसका मतलब तो बिल्कुल साफ है, मैं और तुम अकेले डेट पे जा रहे हैं।